सेपरेट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे हैं, यदि वो बन जाता है तो आज बिना किसी आर्किटेक्चर के हम देश की जीडीपी में 45% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और 90% एम्प्लॉयमेंट हमारा नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर देता है। कल यदि इस प्रकार की सुविधा हमको मिलती है तो देश की जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, हम देश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। उससे न केवल अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो उसके कारण से जो गवर्नमेंट का जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में वो घटेगा, तो विदेशी मुद्रा भी बचती है। तो इसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हमने जो एक्शन कमेटी बनाई है, जिस एक्शन कमेटी में व्यापारी भी हैं, उसके अंदर ट्रांसपोर्टर भी हैं, उसमें ट्रक चलाने वाले लोग भी हैं, उसके अंदर मजदूर भी हैं, उसमें हॉकर्स भी हैं, उसमें और बाकी अन्य सभी वर्गों के लोग हैं, हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर के इस विषय को अब पूरे देश में ले जाने का निर्णय लिया है। गांव के जो इलाके हैं कुछ जो मतलब थोड़े लॉकडाउन दिल्ली से हैं या जो उत्तर प्रदेश सारी चीजें हैं, उनके लिए क्या मतलब? देखिए, सबके लिए समान व्यवस्था है और ये बात केवल शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली है, ये दिल्ली से उठी है तो ये देश के सुदूर गांव तक जाएगी, ये कश्मीर कन्याकुमारी तक जाएगी ये बात, क्योंकि वहां भी जो व्यापारी काम करता है या वहां जो ट्रक चलाता है या वहां जो ट्रांसपोर्टर है उसकी भी वही समस्या है, उसको भी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर नहीं मिलता। अब तक कुल मिलाकर के हमारे सेक्टर में से केवल 4% लोगों को ही बैंकों से ऋण मिल पाया, 96% सेक्टर अभी भी इस परिधि से बाहर है, तो वो पूरे सिस्टम में आ जाए उसके लिए सरकार एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाए, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में भी की है और उसके लिए वो एक कमेटी बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उस कमेटी में हम सब लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि हम उनको ग्राउंड रियलिटीज बता सके और एक अच्छा मैकेनिज्म बने जो देश के बड़े हित में। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जितनी प्रगति मैं कर सकता था उतनी प्रगति मैं नहीं कर पाया, मेरी प्रगति कम हुई है, तो अगर मेरी प्रगति कम होती है तो उसका मतलब देश की इकोनॉमी में उसका सीधा फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इसका संबंध देश के प्रत्येक व्यक्ति से है और देश की पूरी अर्थव्यवस्था से है।